सपोर्ट करें। हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो चुका है, बस एक टारगेट और कंप्लीट करवा दीजिए जल्दी से। इट्स एन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे कैच फन विद काजल चैनल पे। तो जैसे कि आज है शिवरात्रि और हम अपने हमारे जो शिव जी हैं उनको आज मतलब उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो कल बड़ा ही एक है ना अद्भुत हमारे संग वो हुआ। हम जब शिव जी पे जल चढ़ा रहे थे तो उनमें हमें हनुमान जी की झलक दिख रही थी, जैसे कि आपको भी देखो वीडियो में अगर दिख रहा हो तो बड़ा ही रोमांचकारी और बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। तो हमने पहले घर पे ही अपने शिव जी की पूजा की, उनको जो भी था मतलब हमसे बना वैसी पूजा करके, उसके बाद फिर हमने ना शाम को अपने सब लोग मिलके मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, मतलब जो हमारी सोसाइटी में मंदिर है उसमें। तो आके देखिए हमने कैसे पूजा करी, उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा जो भी कुछ है बनाया, फलाहार वगैरह किया, बहुत अच्छे से हमारा व्रत रहा। हमारे यहाँ फिर अगले दिन जैसे जिस दिन व्रत रहता है ना शिवरात्रि का, तो उस दिन तो दोनों टाइम का व्रत रहता है, अन्न नहीं खाया जाता। फिर अगले दिन उसके चूरमा बनाया जाता है, तो वो बना के उसका भोग लगाया जाता है पहले भगवान को और फिर हम लोग मतलब नहा के सबसे पहले वही चूरमा खाते हैं, उसके बाद ही व्रत तोड़ते हैं। तो वही हमने किया। तो बने रहिए हमारे साथ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ईसाय नमः। अथ श्री शिव गौरी स्तोत्र श्रीनिपास पुष्प सरकुंड चापक कर पंकज कलित भक्त वांछिता करुणारुण तनु त्रिलोचन। बेलपत्र वगैरह चढ़ा दी ना, कच्चा दूध चढ़ाया था। ये ऐसे ही देखो, ये जो कटोरी है ना, इस कटोरी में शंकर जी को बिठाओ बीच में, और ये जो लोटे में दूध है ना, ऐसे पहले कच्चा दूध। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि। तो अभी फ़िलहाल तो हम सब लोग रेडी वगैरह होके, अभी हम पूरा लुक दिखाएंगे नीचे जाके, हम जा रहे हैं नीचे मंदिर आरती वगैरह में शामिल होने के लिए, थोड़ा भोग वगैरह चढ़ाएंगे, फिर घर आके वही अपना व्रत का खाना खाएंगे, क्योंकि व्रत तो कल सुबह जाके टूटेगा। तो देखते हैं नीचे जाके क्या करेंगे। बाय। तो हम चल दिए हैं मंदिर के लिए, और ये हमने देखो साड़ी पहन रखी है। तो बस हम मंदिर जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए, और हमारी आरुषि सक्सेना ने अपना लुक दिखाई दिया है। हेलो। और सुबह हमने बहुत अच्छी पूजा करी थी अपने शिव जी की, उसका भी हमने वीडियो बनाया है। अब हम जाएंगे मंदिर दर्शन करेंगे, आके फिर घर की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखो दो चंबू बंबू ये है। तो चलते हैं। तो
देखते भी हो। मैं ऊपर जाके फोन अप ले लेना, आई नीड हेल्प, ऊपर जाके फोन अप ले लेना, ये तो निकल लिया। सब लोग दर्शन कर रहे हैं अभी भी आके, यहाँ दिए जला रहे हैं। ये हमारे मंदिर का लुक, ये मम्मा बैठी है वहाँ। हेलो, नहीं देख रही। चलो फिर हम चलते हैं, चलते बाद में, बाय। देखो देखो भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये बच्ची चमेन हल्का-फुल्का बना लिया। The master chef cutting with the maha knife। भैया के मुंह से भरा भैया का knife। चावल वाला वेट जो होता है बहुत जल्दी कम होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। और जो रोटी वाला वेट दिखाया था बहुत ही मुश्किल से घटता है, और जो घटता है वो परमानेंट घटता है। तो यहाँ पे भैया फ्रूट्स काट रहे हैं। एंड हियर मम व्हाट यू डूइंग। मम्मी यहाँ पे क्या कर रही हैं? गंदा है बिल्कुल। अबे मम्मा क्या कर रही हैं? ये मैं बना रही हूँ आलू और साबूदाने के पकौड़े और चटनी की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने देखो श्रीखंड के लिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं। ये श्रीखंड के लिए दही हैंग कर दिया है और वहाँ फ्रूट्स कट रहे हैं। तो मिलते हैं जब ये बन रहे होंगे। बाय। नीचे भी नहीं कर कर पा रहे टपर 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 वही थे। गोल गोल ही काट रहा है कि चौकोर काट रहा है? मैं छोटा काट रहा हूँ, टेप नहीं देख रहा। मैं थोड़ा, मुझे चौकोर चाहिए जैसे तूने ये किया है ना, इस तरह। आएंगे वो तो गोल गोल था फिर।
अब इससे ये हमने हैंगर बनाया है, अब इसको प्रूफ फटेगी और इसमें हम ऐड करेंगे ये सारे फ्रूट्स जो हमारे बेटू ने काट दिए हैं, और इसमें मिलेगा मिल्क में थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर, थोड़ा सा केसर और रोस्टेड कैशियर। तो अभी क्यों तुमको इतना फेंटना है ये कि ये बिल्कुल हल्का हो जाए, अभी भारी सा है ना, बिल्कुल हल्का हो जाएगा ये एकदम क्रीम, हाँ क्रीम जैसा हो जाएगा ये फेंटते फेंटते, क्योंकि अभी नाम की भी नहीं है। ये नारियल और धनिया और दही की चटनी और मूंगफली की चटनी जो कि हम खाएंगे बड़े के साथ। और यहाँ देखो एकदम फ्लफी हो गया है ये, अभी तू उठा के दिखाना चाहिएगा, मतलब एकदम स्मूथ लग रहा होगा अभी तुझे, है ना ये। अब इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा, इधर ही डालना थोड़ा साइड में, मन कर रहा इसको उठा के खा लूँ। अरे ये लेकिन दब नहीं ना मुझसे, ही नीड्स पावर। पहले इसको बाहर तो ले आऊं, अब हम शक्कर नहीं डालेंगे व्यू ओपन है ना, बहुत अच्छे ख्याल से बहुत है बस, तो अभी अब खा लेते हैं नहीं। इसको यहाँ लाएगा अब इसमें मिल गया है मिल्क में, थोड़ा सा इसमें ला लो इलायची पाउडर, पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लो, वो तो हो जाएगा इलायची और केसर और मिला लो, ये रखिए सामने। अच्छा कितना बताना, तुम डाल लो इलायची पाउडर ज़्यादा हो, यस बस बस बस। अब थोड़ा सा इसमें डाल लो केसर, इसके ऊपर ही करके गिरेगी तो अगर इसमें गिर जाएगी, फिशियस दिस इज, कुछ गिरेगी गिरे तो इसी में गिरे, बहुत है एक दो और डाल लो बस, डाली के नहीं डाली दिखी नहीं डाल गई, अब इसको मिक्स करके दिख रही है इसमें, हाँ हाँ क्या हो गया कौन सा था ग्लास में, वो पुराना पिछली बारी का, अब इसमें हम पता भी मुझे लगता है केसर को ना अगर हम पानी दूध के संग ऐड करते ना तो मुझे लगता है अच्छा कलर आता होगा, है ना। प्रॉब्लम चार्ट ही है अब इसमें अभी वही तो बहुत ऐसा लग रहा है अभी चार्ट लेते पहले उसमें अनार मिला उसका कलर देखना एकदम मस्त आएगा देखना, सारे मिला ले ये मुझे दे दे, हाँ थैंक यू। मन कर रहा है इसको ऐसे खाने, मुझे पता है वो फॉरेन वगैरह में तो वो लोग ऐसे ही मतलब कुछ बना के खाते हैं, नहीं भैया इसमें डालना चाहिए तो सब क्या अभी मिल रहे थे पता है मेरे को लेकिन ये समझ में नहीं आता, कॉफी को पॉपी सीड तो वो होते हैं बेटू खसखस, वो ही तो हाँ वो ही तो, अरे मैं और कंफ्यूज हो गई, ऊपर कर दे उसको, इसको ऊपर कर, बस ठीक। अब हम इसमें मिला रहे हैं केले और एप्पल और काजू भी मिला दो, ये इसमें भी दबे पड़े हैं, हाँ ये अब इसमें मिलाओ काजू, हाथ से मिला लो बढ़िया घी भी चला जाएगा उसका, दिस इज रोस्टेड नहीं निकल रहे कोई बात नहीं जितने निकल जाते हैं ज़्यादा, उंगली से निकाल काजू का घी, भले मत ले काजू, काजू ले काजू कितना बचा चल रहे थे फिर
यू नीड स्पून या चाकू से कर ले, चाकू से क्या कर दिया तूने उसको स्पून ज्यादा बेटर रहेगी इस पे रख दे लेकिन ड्रिंक स्पून ना अंगूर से तो थोड़ा सा ना ग्रीन सा कलर है लाया मैं तो बोला था ना अंगूर भी ले लेना ग्रीन कलर के अच्छा अब उससे ना थोड़ा सा ग्रीन कलर भी और आ जाता है इसमें मालूम है नहीं भूख लगेगा यस कंट्रोल योरसेल्फ कंट्रोल कंट्रोल हो देख और सही रहा पीयूं मतलब मुझे लग रहा था दही कम पड़ जाएगा लेकिन सही क्वांटिटी है ज़्यादा बढ़ाने से फिर और ज़्यादा पतला हो जाता फिर वो अगर ठीक है तो अच्छे से खप जाएगा अब इसमें क्या करना कुछ नहीं बस बन गया अब अगली बार तो तुम अपने आप ही बना लोगी फिर तुम कितनी सुंदर लग रही हो पीयूं दिखा जरा बहुत सुंदर लग रही है छोटी सी निक्की जी मेरी छोटी सी निक्की जी पीयू ये मम्मी ने गिफ्ट कर दी थी तुझे है ना अच्छी लग रही है नहीं वही तो वो मैच भी कर रही है पता है तो केक जैसा बन गया फिलहाल तो ये फ्रूट केक ऐसे ही तो होता होगा भैया दिखा जरा देख 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 एक शॉट बन जाएगा इसी का ऐसी एक ऐसे बना एक बार दिखाना ऐसे करो थंबनेल वो की थाली रेडी हो चुकी है इसमें क्या क्या है देखो ये बनाई थी हमने शकलकंदी की बर्फी शकलकंदी ये नारियल की चटनी ये श्रीखंड 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 क्या पर हमने अपने तरफ से कुछ कर लिया ये साबूदाना बड़ा रहा था ये बनाना चिप्स और ये चिक्की बीच में अभी कुछ रखने इसमें सिर्फ चिक्की बाजार की है बाकी सब घर का बना हुआ है और बस अब हम भोग लगाएंगे और मस्त मस्त यमी यमी खाएंगे तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सपोर्ट करें हमारा एक टारगेट कम्प्लीट हो चुका है बस एक टारगेट और कम्प्लीट करवा दीजिए जल्दी से इट्स एन रिक्वेस्ट Request. Bye. Bye. Yo. Yo. तो अब हो रही है हमारे यहाँ ये चूरमे की तैयारी हमारे यहाँ नेस्ले चूरमा बनाया जाता है इधर मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और अब मैं इन चूरमा बनाने के लिए ना इन पूरियों को ऐसे सेक के थोड़ा सा डाल फिर उसके बाद इसको मिक्सर में ठंडा करके पीस लेंगे और बस शक्कर मिला देंगे ये हमारा चूरमा इस तरह से इसको फिर वो लगाया जाएगा अभी भगवान का और उसके बाद ही हम सबसे पहले नहा के मतलब नहा धो लिए ही हैं मतलब हम सबसे पहले चूरमा ही खाएंगे उसके बाद ही हम व्रत तोड़ेंगे तो मैं बताती हूँ आगे इस तरह से है फूलों को तोड़ तोड़ के रखते मिक्सी में पीस लेंगे तो इसमें मैंने देखिए पीस लिया था और थोड़ी सी शक्कर थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला के बस इसको हम बस मिक्स कर लेंगे और ये बन गया हमारा चूरमा और बस मैं जा रही हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए तो बनी रहिए हमारे साथ एंड सपोर्ट करते रहिए बाय बाय यो यो